नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रिया मनीष में स्वागत है। दिवाली की धूम सब जगह है, उसी की तैयारी में मैं भी लगी हुई हूँ। मैं यहाँ पे दिया बना रही हूँ आटे का। इसी दिया से हम लोग दिवाली की शुरुआत करते हैं। ये दिया हम लोग अपने मेन गेट पे जलाते हैं। सज चुके हैं गली मोहल्ले भी, हम भी अपना घर हल्का फुल्का सजा लिए हैं और थोड़ा बहुत बाकी है सजाना। प्रियम अभी बहुत छोटा है, इसलिए कोई भी काम ठीक से हो नहीं पाता है, क्योंकि प्रियम कभी रोना स्टार्ट कर देता है, कभी उसको भूख लग जाता है, कभी उसको सोना रहता है तो रोने लगता है, इसीलिए सब काम को आधा पर से ही छोड़ना पड़ता है। फिर भी थोड़ा बहुत घर सज चुका है, लाइटिंग वगैरह सब कर लिए हैं घर में। मैं जो आटे का दिया बनाई थी वो मेरी सासू माँ जी मेन गेट पे जला दी है। इधर मैं भी अपना शाम का दिया बाती कर ली हूँ, तुलसी में दिया बाती कर रही हूँ। इतने में ही अगल बगल के बच्चे लोग आ गए प्रियम से मिलने के लिए। बच्चे लोगों को देखकर प्रियम को भी बहुत अच्छा लग रहा है, प्रियम भी उन लोगों के साथ बहुत अच्छे से खेल रहा है। यहाँ मेरी सासू माँ जी पूजा में बैठने से पहले प्रियम को समझा रही है कि प्रियम तुम मम्मा को और पापा को परेशान मत करना, मैं पूजा पे बैठने जा रही हूँ। प्रियम है कि अपना अलग ही धुन में लगा हुआ है। प्रियम दादी मॉम की तरफ देख रहा है कि दादी मॉम ये मुझे क्या बोल रही है। अब यहाँ पर मेरी सासू माँ जी लक्ष्मी पूजन की सब तैयारी सब करके रख ली है, अब पूजा पर बैठेगी। बैठ चुकी है मेरी सासू माँ जी पूजा पे। यहाँ प्रियम अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा है, मतलब पापा को एकदम परेशान करके रख दिया है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ प्रियम, सब देख रहे हैं, हमें सब देख रहे हैं। प्रियम के पापा यहाँ पे प्रियम को गाना सुना रहे हैं। प्रियम भी बहुत खुश है अपने पापा के साथ खेलते। दिया जला रही थी कि प्रियम ने रोना स्टार्ट कर दिया। मैं आरती में इसलिए नहीं थी कि प्रियम रोना स्टार्ट कर दिया तो मैं प्रियम के पास चली गई थी। इधर मेरी सासू माँ जी पूजा समाप्त करके आरती भगवान जी का कर रही है।
के साथ हम लोगों का फर्स्ट दिवाली है। इस तरीके से हम लोगों का दिवाली अच्छे से मन गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का दिवाली भी अच्छे तरीके से ही मना होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।